हेलो गाइस, दिस इज़ राज एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश कॉर्नर विद राज मेहरा। आइए आज एक और न्यूज़ को कवर करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रिटर्न वुमैन इन 5 डेज। रिटर्न मीन्स होता है वापस करना, औरत को वापस करें 5 दिन में, ठीक है। और फेस एक्स कम्युनिकेशन। एक्स कम्युनिकेशन मीन्स होता है धर्म बहिष्कार, धर्म से बाहर निकाल देना या जाति से बाहर निकाल देना। नहीं तो धर्म से आपको मतलब आपको फेस करना पड़ेगा, आपको धर्म से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो मतलब ये जो मेरठ की पंचायत है, ये किसी फैमिली को बोल रही है रिटर्न वुमेन इन 5 डेज और फेस एक्स कम्युनिकेशन। यहाँ तो 5 दिन के अंदर अंदर औरत को वापस करो, नहीं तो फिर धर्म से तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। आइए से पढ़ते हैं, समझते हैं। डिनाउंसिंग सेम गोत्र। डिनाउंस मीन्स होता पब्लिकली कोई चीज़ बताना कि ये गलत है, ठीक है, पब्लिक में बताना। डिनाउंसिंग सेम गोत्र मैरिज ऑफ अ नेबर्स, तो डिनाउंस करते हुए ये पब्लिकली गलत बताते हुए कि सेम गोत्र के लोग होते हैं उनकी शादी, पड़ोसियों की शादी। अ विलेज पंचायत इन मेरठ, मेरठ में एक विलेज पंचायत है, हैज़ गिवन एन अल्टीमेटम, एक अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम इस होता आखिरी चेतावनी देना। किसे दिए? टू द यूथ फैमिली, यूथ लड़के की फैमिली को, टू रिटर्न द वुमेन विद इन 5 डेज। विद इन मीन्स होता के अंदर अंदर, 5 दिन के अंदर अंदर, मतलब एक सूचना, एक चेतावनी दी है, आखिरी चेतावनी कि 5 दिन के अंदर अंदर औरत को वापस कर दो, और नहीं तो फेस एक्स कम्युनिकेशन, नहीं तो धर्म बहिष्कार के लिए तैयार हो जाओ, ये तुम्हें फेस करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिनाउंस का मतलब होता है पब्लिकली किसी चीज़ को गलत ठहराना। अल्टीमेटम मीन्स होता है आखिरी चेतावनी देना किसी को, विद इन मीन्स होता है के अंदर अंदर, ठीक है। एक्स कम्युनिकेशन मीन्स होता है किसी का धर्म बहिष्कार करना, धर्म बहिष्कार होना या जाति बहिष्कार होना। तो ये पंचायत ने उनको धमकी दी है, लड़के के फैमिली को। ये आगे पढ़ते हैं। द इंसिडेंट अकर्ड। अकर्ड मीन्स होता है घटना, ठीक है, टेक प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द इंसिडेंट अकर्ड इन मेरठ गोटका विलेज। ये तो जो घटना है ये मेरठ की गोटका विलेज में हुई है, इन सरदाना तहसील में। वेयर टू इंडिविजुअल्स, जहाँ पे इंडिविजुअल्स मीन्स होता है लोग, जहाँ पे दो लोगों ने, फ्रॉम द ठाकुर कम्युनिटी, कहाँ किस कम्युनिटी से थे, ठाकुर कम्युनिटी से, इन देयर अर्ली 20, अपनी 20 साल की एज में, ठीक है। इलॉप मीन्स होता है भगा के ले जाना, लड़की भगा के ले जाना, ठीक है। इलॉप्ड, भगा के मतलब भाग गए। एंड गॉट मैरिड, और शादी कर ली। गेट मैरिड मीन्स होता शादी करना। इन द टेम्पल, मंदिर में। ड्रॉइंग द एंटायर कम्युनिटीज रैथ, तो ये इस चीज़ ने क्या किया, ड्रॉ किया अटेंशन, किसी की खींचना, ड्रॉ मीन्स होता खींचना। द एंटायर कम्युनिटी, जितना भी सारी समुदाय की कम्युनिटी जो है, जो सारा समुदाय है उसका क्रोध को, उसके जो एंगर को है उनको खींच लिया है, मतलब कि अपनी ओर आकर्षित कर लिया, लोग उनसे नाराज हो गए, ठीक है। द अल्टीमेटम केम, जो अल्टीमेटम है आखिरी चेतावनी है आई है। आफ्टर अ पंचायत मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन संडे, किसके बाद आई है, जो पंचायत की मीटिंग है वॉज हेल्ड, हुई है, ठीक है, ऑन संडे को। इन विच मीन्स होता जिसमें, द पीपल ऑफ ठाकुर कम्युनिटी, लोग ठाकुर कम्युनिटी के समुदाय के लोग, फ्रॉम सेवरल विलेजेस, अलग अलग गाँव से, ठीक है, अनेकों गाँव से, पार्टिसिपेट मीन्स होता है भाग लिया, इंक्लूडिंग एक्स बीजेपी MLA, उसमें कौन कौन शामिल था, ये बीजेपी के जो एक्स हैं, पूर्व बीजेपी MLA भी शामिल थे, संगीत सोम, ठीक है, संगीत सोम ये भी शामिल थे। हु आज द फैमिली, इन्होंने जो MLA हैं, इन्होंने आप फैमिली से बोला है, आज द फैमिलीज टू रिजॉल्व द मैटर। रिजॉल्व मीन्स होता हल करना, मैटर मीन्स होता मामले को। एमिकेबली मीन्स होता सौहार्दपूर्वक, मतलब बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, एमिकेबली मीन्स होता बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी लीगल कोई कोर्ट कचहरी के, ठीक है। तो मतलब आप प्यार से इस मैटर को सुलझा लें। एंड फॉर्म अ 10 मेंबर्स मीटिंग, फॉर्म मीन्स होता बनाना, 10 आदमियों की कमेटी बना लें टू टेक द डिसीजन, ये डिसीजन लेने के लिए, तो ये MLA इन्होंने बोला है, ठीक है। रिएक्टिंग टू द मैटर, इस मैटर पे रिएक्ट करते हुए, प्रतिक्रिया देते हुए, अशोक सिंह हैं ये, हु रन्स अ स्मॉल स्कूल, जो एक छोटा सा स्कूल चलाते हैं, ठीक है। रन अ स्मॉल स्कूल मीन्स होता है स्कूल चलाना, रन अ शॉप चलाना, इन द विलेज गांव में। एंड वाज वन ऑफ द
सीनियर पार्टिसिपेंट्स ऑफ द पंचायत। तो ये सीनियर है पार्टिसिपेंट्स, मीन्स होता है प्रतिभागी, जो भाग लेते हैं किसी चीज़ में उसे पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो सीनियर पंचायत के प्रतिभागी हैं ये। वी डोंट एक्सेप्ट दिस मैट्रिमोनियल अलायंसेस। मैट्रिमोनियल अलायंसेस मीन्स होता है वैवाहिक संबंध। तो वो ये बोलें कि हम इस वैवाहिक संबंध को, जो गठबंधन है, इसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एज इट टीयर्स अपार्ट, टीयर अपार्ट मीन्स होता है ये धज्जियाँ उड़ाना किसी चीज़ की, ठीक है। एज इट टीयर्स अपार्ट द सोशल फैब्रिक, जो सामाजिक ताने, सोशल फैब्रिक मीन्स होता है सामाजिक ताना बाना, ठीक है, जिससे समाज बनता हो, उसकी ये धज्जियाँ उड़ाता है, उनका ये कहना है जो एक छोटा सा स्कूल चला। इट इज़ अगेंस्ट आवर ट्रेडिशन, ये हमारे ट्रेडिशन के, परंपरा के खिलाफ है। क्योंकि आर डॉटर ऑफ द विलेज, गांव की लड़की, कैन नॉट बिकम, नहीं बन सकती है, इट्स डॉटर इन लॉ, हमारे गांव की लड़की जो है वो क्या कहते हैं, बहू नहीं बन सकती है, ठीक है, उसी गांव की। ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज, गांव के जितने भी निवासी थे, रेजिडेंट्स होता निवासी, हैव वन अनसेस्टर, है उनका है क्या, एक ही पूर्वज है, मतलब एक ही माँ बाप हैं। विच मीन्स, जिसका मतलब है ऑल ऑफ देम आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, मतलब कि हम सब लोग भाई बहन हैं, ठीक है, जो स्कूल चलाते हैं उनका कहना है। इकोइंग द सिमिलर सेंटिमेंट्स, इको मीन्स होता गूंजना, सिमिलर सेंटिमेंट्स मीन्स सेम भावना है, गूंज रही है, मतलब सेम लोग सोच रहे हैं ऐसा। ये है ऋषि पाल सिंह है वन ऑफ द पंचायत मेंबर्स, ये पंचायत के मेंबर हैं, सैड उन्होंने कहा दिस मैरिज विल सेट अ बैड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मीन्स होता है मिसाल, ठीक है, कोई मिसाल होना। तो ये शादी एक बुरी मिसाल सेट करेगी। एंड इम्बोल्डन मीन्स होता है किसी को इंक्रेज करना, कुछ करने के लिए, तो और ये इंक्रेज करेगी लोगों को, मतलब उत्साह प्रोत्साहन देगी किस चीज़ के लिए, टू अदर्स, दूसरों को प्रोत्साहन देगी टू डू द सेम करने के लिए। तो प्रेसिडेंस मीन्स होता है मिसाल कोई भी किसी भी चीज़ की, और ये इम्बोल्डन मीन्स होता है किसी चीज़ को इंक्रेज करना, कुछ करने के लिए, गिव कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग, ठीक है। जैसे आपने बोला कि आपकी वीडियो मुझे इम्बोल्डन करती है इंग्लिश बोलने के लिए, मतलब इंक्रेज करती हैं। तो ये जो ये कोई पंचायत के मेंबर हैं वो बोल रहे हैं कि ये एक बुरी मिसाल सेट करेगी और लोगों को कॉन्फिडेंस देगी कि वो भी यही सेम करें। हैंस मीन्स होता है इसलिए। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इज नीडेड सोशली, एक सामाजिक रूप से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज की ज़रूरत है। एज वी कॉन्ट डू मच लीगली, हम लीगली कुछ भी नहीं कर सकते, कानूनी तौर पे हम इससे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो हमें एक मिसाल सेट करनी होगी ताकि लोग इसे, बाकी के लोग इसे ना करें, ठीक है। तनु एंड शुभम, ये तनु शुभम हु गॉट मैरिड, जिन्होंने शादी की है, हैड मैरिड इच अदर, एक दूसरे से शादी की थी, इन मेरठ के मंदिर में शादी की थी ऑन मई 20 को, बट कैप्ड इट सीक्रेट फ्रॉम तनुज फैमिली, इस तनु की फैमिली से इसको गोपनीय रखा गया, इसे कीप सीक्रेट मीन्स होता है छुपा के रखना किसी चीज़ को, ठीक है। हाउएवर, हालांकि, ऑन सितंबर 12 को, व्हेन द न्यूज़ ऑफ देयर सीक्रेट वेडिंग, ये जो गोपनीय शादी हुई थी, जब इसकी न्यूज़ बिकम पब्लिक, लोगों तक पहुंची, ठीक है, बिकम पब्लिक मीन्स होता है पब्लिक हुई, ठीक है, दे गॉट देयर मैरिज रजिस्टर्ड इन सरदहना तहसील, तो उन्होंने अपनी इन शादी को सरदहना तहसील में रजिस्टर करा लिया, मतलब कि कोर्ट मैरिज कर ली एक तरीके से, ठीक है। लेटर मीन्स होता बाद में, फेयरिंग थ्रेट्स टू देयर लाइव्स, अपनी जिंदगी पर खतरा देखते हुए, ठीक है, खतरा महसूस करते हुए, द टू मतलब वो दोनों, द टू हैड ऑल्सो अप्रोच्ड मीन्स होता है कहीं पर विजिट करना कोई रिक्वेस्ट लेकर, तो मतलब ये जो है, ये टू हैड ऑल्सो अप्रोच द SSP ऑफिस फॉर प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन के लिए ये SSP ऑफिस में भी पहुँचे, ठीक है, ये दोनों लोग। SSP मेरठ, जो SSP मेरठ हैं, रोहित सिंह साजवन, ठीक है,
जो साजवन है सैड, उन्होंने कहा था कपल हैड अप्रोच्ड, मतलब कपिल अप्रोच किए थे फाइव डेज एगो, पाँच दिन पहले, फाइव डेज एगो मिस होता है पाँच दिन पहले ये कपिल लोग विजिट किए थे, एंड हैड सॉर्ट प्रोटेक्शन, सीख की सेकेंड फॉर्म, सीख मिस होता मांगना, सीख की सेकेंड फॉर्म होती है सॉर्ट, सॉर्ट प्रोटेक्शन, उन्होंने प्रोटेक्शन मांगी है, वी विल प्रोवाइड दैम प्रोटेक्शन, हम उनको प्रोटेक्शन देंगे, प्रोवाइड मिस होता देना, इफ़ देयर इज अ थ्रेट, अगर कोई धमकी हुई तो, ठीक है। मीनवाइल इसी बीच तनुज फादर, जो लड़की के फादर हैं देवेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया माई डॉटर तनु, जो मेरी डॉटर तनु है, हु इज़ परशुइंग बीएससी, वो बीएससी कर रही हैं, परशू बीएससी में से होता बीएससी करना, ठीक है, वॉज गोइंग टू कॉलेज, कॉलेज जा रही थी ऑन सेप्टेम्बर ट्वेंटी टू, ठीक है, 22 को, 22 सितंबर को वो कॉलेज जा रही थी, वैन, जब शुभम फोर्सफुली, फोर्सफुली मीन्स होता बलपूर्वक, फोर्सिवली भी बोलते हैं इसे, बलपूर्वक टुक हर अवे, उसे ले गया, टेक समवन अवे मीन्स होता किसी को ले जाना, ठीक है, उठाकर, वी हैड अप्रोच द पुलिस, हम पुलिस के पास पहुँचे, अप्रोच मीन्स होता किसी के पास जाना, ठीक है, मतलब जाना, हाँ, वी हैड अप्रोच द पुलिस, हम पुलिस के पास गए, बट नथिंग मच कुड बी अचीव्ड, कुछ खास हासिल नहीं हुआ, अचीवमेंट्स होता हासिल होना, ठीक है। आइए इसमें कुछ टफ वर्ड्स देख लेते हैं, डिनाउंस मिस होता है पब्लिकली कोई चीज़ बताना कि ये गलत है, अल्टीमेटम मिस होता है आखिरी चेतावनी, ठीक है, विदिन मिस होता है कि अंदर अंदर, इंडिविजुअल मिस होता है व्यक्ति लोग, इलॉप मिस होता है लड़की भगा के ले जाना, किसी के साथ भाग जाना, स्पेशली लड़की और लड़के के लिए यूज़ होता है, गेट मैरिड, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट होती है, गेट मैरिड में शादी करना, ड्रॉ मिस होता है खींचना कोई चीज़, रैथ मिस होता है गुस्सा, क्रोध बहुत ज़्यादा, ठीक है, इन विच मिस होता है जिसमें, सेवरल मिस होता है अनेक, ठीक है, पार्टिसिपेट मिस होता है भाग लेना, एंड एमिकेबली मिस होता है सौहार्दपूर्ण, मतलब कि बिना किसी आर्ग्यूमेंट और लीगल एक्शन के, ठीक है, रिजॉल्व मिस होता है हल करना, फॉर्म मिस होता बनाना, फॉर्म मिस होता बनाना, ठीक है, एंड रन रन अ बिजनेस या रन अ स्मॉल स्कूल, रन अ शॉप मिस दुकान चलाना, पार्टिसिपेंट्स मिस होता प्रतिभागी जो भाग लेते हैं किसी चीज़ में, मैट्रीमोनियल अलायंस मिस होता है वैवाहिक संबंध, गठबंधन, टीयर अपार्ट मिस होता है धज्जी उड़ा देना, सोशल फैब्रिक मिस होता है सामाजिक ताना बाना, ठीक है, जिससे समाज बनता हो, ट्रेडिशन मिस होता है आप जानते हैं, डॉटर इन लॉ मिस होता है बहू, रेजिडेंट्स मिस होता निवासी, अनसेस्टर मिस होता पूर्वज, ठीक है, एको मिस होता गूंजना, कोई आवाज़ गूंजना, ठीक है, एंड प्रेसिडेंट मिस होता है, प्रेसिडेंट मिस होता है मिसाल, कोई मिसाल सेट करना ताकि आगे जाके उसी की ही मिसाल दी जाए, इम्बोल्डन मिस होता है किसी को इनक्रेज करना कुछ करने के लिए, हौसला बढ़ाना, ठीक है, हैंस मिस होता है इसलिए, सोशली मिस होता है सामाजिक तौर पर, लीगली मिस होता है कानूनी तौर पर, ठीक है, कीप इट सीक्रेट मिस होता है गोपनीय रखना किसी चीज़ को, हाउएवर मिस होता हालांकि, बिकम पब्लिक मिस होता पब्लिक हो जाना कोई चीज़, फियर मिस होता डरना, थ्रेट मिस होता धमकी, ठीक है, अप्रोच मिस होता है किसी के पास जाना कोई रिक्वेस्ट लेके, ओके, सीक प्रोटेक्शन, सीक की सेकंड फॉर्म शॉर्ट होती है, सीक मिस होता मांगना, ठीक है, मीनवाइल मिस होता इसी बीच, एंड क्लेम मिस होता दावा करना, परशू बीएससी ग्रेजुएशन, ठीक है, बीएससी या ग्रेजुएशन करना, और फोर्सफुली मिस होता बलपूर्वक, ठीक है, टेक समवन अवे मिस होता किसी को उठा के ले जाना, अचीव मिस होता हासिल करना, ठीक, सो गाइस उम्मीद करता हूँ ये आज की आपको वीडियो समझ में आई होगी, अगर इसी तरीके की आपको अगर वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरीके की अगर आपको ग्रामर में किसी से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।